हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। आज आप सबके साथ जो प्लांट शेयर करूंगी वो एक्चुअली एक वीड है, लेकिन इंडोर में और कंटेनर में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। हैंगिंग प्लांटर में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो उसके बारे में ही आज बात करूँगी। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा गार्डन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो प्लांट शेयर कर रही हूँ वो है एस्परागस फर्न। नाम तो इसका एस्परागस वन है, लेकिन क्वाइट ऑपोजिट है, क्योंकि एस्परागस जो है वो ईटेबल होता है, यानी कि खाने के लायक होता है, और फर्न जो है वो तो हाईली टॉक्सिक होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन नाम इसका एस्परागस फर्न ही है, और फर्न शायद इसके लीफ के वजह से ही बोलते हैं। और इसका कई सारा वैरायटी होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, एनुअल और पेरेनियल दोनों तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। तो आज पहले इसके लाइट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, और ये जो प्लांट है ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों में बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर हम लोग इंडोर में ग्रो करना चाहते हैं तो इस प्लांट को गुड अमाउंट ऑफ ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो विंडो के साइड में जहाँ पे बहुत अच्छा रोशनी आता है उस जगह पे ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर आउटडोर में ग्रो करना है तो पार्शियल शेड में या ग्रीन नेट के नीचे रखने से ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है और हेल्दी भी रहता है। और इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना पड़ता है। मैंने जो सॉइल प्रिपेयर किया है उसमें मैंने गार्डन सॉइल के साथ सैंड और काउडंग यूज़ किया है। सैंड में थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया है ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी सा रहे। और इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, तो इसीलिए कभी कभार मैंने विनीगर और पानी मिला के थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। इसके अगर वाटरिंग की बात करूँ तो इसको मॉडरेटली मॉइस्ट सॉइल पसंद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल भी पसंद नहीं है, और अगर सॉइल कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए तो वो भी पसंद नहीं है। तो ये समझ के थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। और ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो इसीलिए अगर आउटडोर में ग्रो कर रहे हैं तो बड़े बड़े पेड़ के नीचे या साइड में कई सारे बड़े पेड़ रख के इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और अगर इंडोर में ग्रो करना है तो थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल एक ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट करके रखना पड़ता है, साइड में थोड़ा सा पानी बोल में रख के इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और इसको मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसकी प्रोपगेशन की बात करूँ तो इसको डिवीजन मेथड में, यानी कि डिवाइड करके बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ट्यूबर जैसा या बल्ब भी कह सकते हैं, ये देखिए, ये इसको लगा देने से बहुत इजीली प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसको लगाना बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से ग्रो होता है ये प्लांट। और ये एक हेवी फीडर प्लांट है, स्पेशली समर के टाइम में जब इसका ग्रोथ होता है, तो इसीलिए मैंने महीने में दो बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी कभी काउडंग या कभी कभी मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और इसमें डिजीज़ तो हाँ, मिलीबग्स होता है, कुछ दिन पहले ही हुआ था मेरे प्लांट में, तो मैं नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे कर देती हूँ तो ठीक हो जाता है। देखने में तो ये प्लांट बहुत सुंदर है, गार्डन में ग्रीनरी भी ऐड कर देता है, लेकिन थोड़ा सा पॉइजनस है, वॉमिटिंग, स्किन इरिटेशन या डायरिया जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली इस प्लांट को रखना चाहिए। होपफुली आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप सबने पसंद किए होंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।